गाइस एक लड़का हमको कमेंट करके पूछ रहा था, भैया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप कुछ बोलिए। भाई क्या बोले, जिंदा रहना है कि नहीं हमको? बस हवा निकल गई। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग है केएमपी पार्क का फर्स्ट गेट है ना, फर्स्ट गेट के पास से इस तरफ देखिए सामने चित्रालय मेला मैदान दिख रहा होगा आप लोगों को। कुछ दिन पहले हुआ है रावणपुरा, तो अभी देख सकते हैं यहाँ का ऐसा लग रहा पार्क ठोकर पूरा सीज कर दिया, तो सच में सीज कर दे, देख सकते हैं एकदम ताला नहीं डायरेक्ट होल्डिंग कर दिया गया गेट के। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर छठ पूजा को कितना जोरों शोरों से साफ सफाई हो रहा, तैयारी हो रहा है यहाँ पे। तो देख के लग रहा कुछ भी नहीं हो रहा, देख सकते पूरा गंदगी अभी तक फैला हुआ है, लेकिन अभी तक साफ सफाई हो जाना चाहिए था। तो इस तरफ हम, इस तरफ रविंदर है, इस तरफ एक बाइक लगा हुआ है, लगता है यहाँ के गार्ड का बाइक होगा लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। तो है यहाँ के व्यू। चलिए अभी हम लोग जाएंगे सेकेंड गेट से, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए हम लोग आए थे सेकेंड गेट के पास, ये भी गेट बंद है, सीज किया हुआ है पूरा। हम लोग आए थे रविंदर के पास। गाइस एक लड़का हमको कमेंट करके पूछ रहा था इंस्टाग्राम में, भैया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आप कुछ बोलिए। भाई क्या बोले, जिंदा रहना है कि नहीं हमको? अब तो उसको इलेक्शन लड़ने का ऑफर आ गया है विधानसभा का, तो इससे अच्छा कुछ नहीं बोलो तो ही बेहतर है। लेकिन आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं बताइएगा, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई को? तो गाइस देखिए ये हम लोगों का दुर्गापुर का सबसे पुराना सिनेमा हॉल। हम लोगों का उम्र का तो लड़का लोग बाई चांस कोई देखा होगा, लेकिन हम लोगों का जो पापा का उम्र का अंकल लोग है सभी का मतलब इससे इमोशन से जुड़ा हुआ है कि नहीं हॉल से? क्या रविंदर? जरूर। रविंदर का मम्मी भी देखा है इस हॉल में मूवी। कौन सा मूवी देखा है, मिलेंगे तो पूछेंगे, ठीक है? चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। अंदर गंदगी बहुत है, इसके वजह से जा नहीं सकते हम लोग। गाइस तो देखिए छठ पूजा कुछ ही दिन बाकी रह गया है। पूजा में क्या होता था, एक महीना पहले ही साफ सफाई होता था, अभी देखे कहीं भी साफ सफाई नहीं हो रहा। सामने दीपावली भी आ गया है, काली पूजा भी आ गया है। खैर काली पूजा का तो हर जगह एकदम जोर शोर से बहुत शानदार पेंडल बन रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं फ्रेंड के पास, तो क्या बोले अभी हम लोगों को बीजन में बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रहा है, लेकिन इस तरफ राजमहल होटल की तरफ थोड़ा सा भी बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन हम आते आते भीज गए थे, लेकिन आया हुआ एक घंटा हो गया, इसके वजह से थोड़ा सा सूख गया है। एक कॉल भी आ रहा है, बोला था 8 बजे कॉल करेंगे लेकिन कर रहा है 9 बजे कॉल। इस तरफ प्रीतम जी क्या बोलेगा बताइए, इस बार छठ पूजा आने वाला है कहीं? छठी मैया तैयारी नहीं चल रहा है? अच्छा एकदम तैयारी चल रहा है, तैयारी चल ऐसे नहीं दिखेगा वो, अचानक से दिखेगा। अच्छा अच्छा, जय छठी मैया। जय छठी मैया, देख रहे हैं सब, मतलब किसी का मतलब होता है ना बोली में वो चीज लग ही नहीं रहा, फिर लग ही नहीं रहा, समझे? तो ये सच्चाई है। छठ पूजा मतलब होता है डायरेक्ट तो। अच्छा दीपावली के बाद क्या, 6 दिन बाद छठ है कि नहीं? बाय बाय, देखते हैं अभी चलते हैं बाहर का माहौल दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर में, देखिए इस तरफ थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुआ है। इस तरफ हाँ मैं मेरा भाई प्रीतम है, अभी चलिए हाईवे के साइड में चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पर्सनल वक्तव्य हो रहा है तो इसको हम नहीं बता सकते हैं, डिस्कशन सीक्रेट है, थोड़ा माहौल वहल बनने वाला था हम लोगों को। तो गाइस देखिए हाईवे का व्यू है, इस तरफ से एकदम ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया, इस तरफ है राजमहल होटल, ठीक है? और यहां है पूरब, इस तरफ है पूरब जहाँ, इस तरफ है मिस्टर बीस, पैसा ही पैसा है। और हमारे क्या नाम है, पैसा पे सोने वाला इंसान घर में है। तो देखिए यहाँ के व्यू है, यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ नज़दीक आप लोग बोर्ड में देख के समझ सकते हैं। तो बस अभी हम लोग जस्ट टहलने के लिए निकले हैं, ठीक है? तो गाड़ी कौन सा शोरूम है प्रीतम, गाड़ी का? बजाज का, कार का, मारुति का? ये है निसान का। कार उर लेना है तो यहाँ पे आ सकते हैं, सुजुकी का। उसको टाइम में निकलना चाहिए लेकिन अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है 10 बजने वाला है, ठीक है? हम लोग निकले हैं हाईवे की सैर करने के लिए, यहाँ पे दिखाएंगे अलग अलग तरीके के प्राणी तो गाड़ी चलाते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। एकदम इनको देखिए, इनको भी दिखा दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे प्राणी। क्या बोले इस बार, मतलब हमको तो इंस्टाग्राम में कमेंट आ जाता है भैया लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ बोलिए, लेकिन ज्यादा बोलेंगे तो फिर जो भी रास्ता में चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। कैमरामैन बना दिए हैं, देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का भाई है ये, सौतेला फटा हुआ है। तबीयत खराब था, हम नहीं थे 4 दिन। अच्छा तो देखिए गाइस अभी हम लोग आए थे सिटी सेंटर में चाय पीने के लिए। क्या चीज़ जा रहा है? हाँ गाइस तो क्या अब हम डेली ब्लॉग लाते रहे हैं क्या, सारा दिन में क्या क्या करते हैं थोड़ा बहुत हमको बताइए तो लाएंगे, ठीक है?
एक्चुअली शाम को ही शुरू किए थे ब्लॉग, दोपहर में समथिंग, तो काली पूजा का भी जोरों शोर से तैयारी तैयारी चल रहा है और छठ पूजा भी आने वाला ही है। तो कहाँ कहाँ कौन सा पेंडल बन रहा है, अगर आप लोग मेरा अगर आप लोग मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए भी, भाई का बहुत प्यार मिल रहा है। और एक न्यू वीडियो आने वाला है, एक और चैनल रिवील करने वाले हैं, तो देखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मेरा कॉल आ रहा है, तो चलिए वीडियो एंड कर दें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फीडबैक दीजिए, ठीक है। कुछ अगर बुरा लग रहा है तो फीडबैक दीजिए, हेट मत कीजिए। टाटा, गुड नाइट।